सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए बैद्यनाथ टीवीएस और आज एक यहाँ पे एक्सक्लूसिव मशीन आया हुआ है 2022 वेरिएंट रेड कलर में, जो आप लोग देखोगे अपाची RR 310। तो यहाँ पे खड़ा है, मतलब कि सबसे ऊपर टॉप सेगमेंट का टीवीएस का स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हो आप लोग, और आप लोग मिनी डुकाटी भी कह सकते हो, क्योंकि इसका टेल लाइट ही उस तरह से डिज़ाइंड है जैसा डुकाटी V4S वगैरह का रहता है। बाकी बात इसका आज कंप्लीट रिव्यू हम लोग आपको देंगे, और ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कंटेंट है और गिरिडीह में पहली बार मैं देख रहा हूँ इस वाले शोरूम पे बैद्यनाथ TVS। तो सारा इसका बुकिंग वगैरह, सारा प्राइस वगैरह के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना स्किप बिल्कुल मत करना। आप लोग के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग वेरियंट की सुपर बाइक आप लोग कह सकते हो 300 CC पे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry. तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आप लोगों को इसका सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह कैसा लगा, और भाई देखने में तो कंप्लीट आप लोग समझ जाओ स्टार्टिंग वेरिएंट का सुपर बाइक इसलिए बोल रहे, बिकॉज जिस तरह से इसका बॉडी वगैरह है, बॉडी लैंग्वेज है, एंड जिस तरह से इसका विथ वगैरह है, तो देखने से कोई भी नहीं बोलेगा भाई ये नॉर्मल 300 CC कैटेगरी की बाइक है, स्टार्टिंग सुपर बाइक कह सकते हो, और TVS की टॉप नॉच वेरियंट की ये वाली बाइक है। फ्रंट फेस वगैरह देखोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, बॉडी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, वाइज़र वगैरह हो गया आपका, फिर मिरर्स वगैरह आपको, फिर बाई LED टेक्नोलॉजी हेडलैम्प वगैरह आपको फ्रंट सेटअप में मिल रहे हैं। और हेडलैम्प एक बार आप लोग गौर करो भाई, बहुत ही खूबसूरत हेडलैम्प है, और आपको प्रोजेक्टर्स वगैरह इनसाइड में आपको बिल्ड है। फ्रंट फेस देखने में नो डाउट सुपर बाइक की तरह लगता है भाई, और ऊपर से रेड कलर है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, अब इसका लाइट हम लोग ऑन नहीं करेंगे, जब इग्निशन ऑन होगा तब आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो नीचे आप देख सकते हो गोल्डन कलर्स में आपको USD फोक्स टाइप आपको दिए हुए हैं, ABS इसमें आपको मिल रहा है, टायर्स आपको 110/70 का टायर, 17 इंच का एलॉय मिशलिन रोड 5 का टायर मिल रहा है, तो मिशलिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड अमंग द टायर्स। उसके बाद इधर आप ब्रेक्स वगैरह देख लो, जो आपको ABS वगैरह तो प्रोवाइड किए गए हैं, डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं, और फ्रंट फेस काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल मैं बोलूँगा मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और इसमें आपको हज़ार्ड लाइट स्विच वगैरह भी दिया हुआ है, तो हज़ार्ड लाइट भी अगर मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, तो देखो एक बार इसका हज़ार्ड लाइट के साथ, और इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे शार्प, मतलब कि देखने में ऑसम ही लग रहे हैं, उतना ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं लग रहा है। बॉडी फेयरिंग वगैरह भी इस साइड में देखोगे तो RR 310 वगैरह का मार्क, एंड नीचे में आपको अपाची DOSC आपका रिवर्स इंक्लाइन वगैरह सबका आपका स्टिकर मिल जाएगा। अब चलो इसका मीटर दिखाते हैं, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोर्शन है रिगार्डिंग द मीटर। तो एक बार आप मीटर देख लो पहले, जो आपका जस्ट एज लगेगा फ़ोन का डिस्प्ले है, TVS करके आता है, उसके बाद ये वाली मोड, तो वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा। उसके बाद अभी हज़ार्ड को ऑन करते हैं, और मतलब ऑफ करते हैं, और अभी आपको जो मीटर की इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप चेंज भी कर सकते हो, एंड साथ साथ आप मतलब कि आपको जो ऑप्शन चाहिए वो भी लगा सकते हो। कंप्लीट आपको बटन्स वगैरह यहाँ प्रोवाइडेड, तो जैसा आप ये वाला RPM मीटर देख लो, फिर लो फ्यूल इंडिकेटर है, न्यूट्रल का लाइट है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर है, इंजन का लाइट, ABS का लाइट, और अभी आपको कूलेंट टेम्परेचर और गियर तो बताया गई, साथ साथ टॉप स्पीड का, फ्यूल रेंज का, एंड ऑटो का दिया हुआ है, और इसे आप चेंज भी कर सकते हो। जैसा आप लोगों ने अगर सेट में क्लिक किया तो सेट में देखो राइड मोड वगैरह, वहाँ पे आपका कंसोल चेंज हुआ। उसके बाद राइड मोड में क्लिक करके अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड रहता है, और इन चारों में अलग अलग पावर आपको प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी तो स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड लॉक है, वो आपका फर्स्ट सर्विस के बाद ही ऑन होता है, और आपको जो अर्बन और रेन मोड है उसमें आपको 25.8 PS का पावर मिलेगा, और ट्रैक मोड में 34 PS का पावर मिलेगा, और अर्बन और रेन मोड में 25 Nm का टॉर्क मिलेगा, एंड स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड में आपको 27.3 Nm का टॉर्क मिलेगा। मतलब कि आपका अर्बन और रेन में उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना ज़्यादा पावर आपका स्पोर्ट्स एंड ट्रैक में प्रोड्यूस करेगा।
उसके बाद यहाँ से बैक करके आप लोग ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी निकाल सकते हो। फिर बैक करके माई व्हीकल में जाके सर्विस वगैरह का इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, माइलेज वगैरह हो गया, स्पीड वगैरह हो गया, लैप्स वगैरह हो गया, आप वो पता लगाओ। फिर उसके बाद बैक करके प्रेफरेंस में जाके कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट वगैरह है, तो उससे आप लोग वो भी पता कर सकते हो। फिर डिस्प्ले कॉल, मतलब कॉल वॉल आएगा तो वो डिस्प्ले करेगा। फिर डिस्प्ले सेटअप, आप ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, क्लॉक हो गया, फिर आपका डेट एंड टाइम, उसके बाद डे एंड नाइट मोड, तो बेसिकली सब आपके हाथ में। इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसा आप अपना फ़ोन वगैरह में वर्क करते हो सेम। जैसे कि अभी कूलेंट वगैरह सेलेक्ट है, टॉप स्पीड सेलेक्ट है, ऑडो एंड रेंज सेलेक्ट है, तो वही चारों आपको दिखा रहा होगा मीटर में। बाकी बात, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा, जितना आपको फ़ोन का इन्फॉर्मेशन रहता है, जस्ट एज अ समझो फ़ोन टाइप का आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी बात, आपको हैंडल पे पास लाइट वगैरह और आपका हज़ार्ड लाइट स्विच, और उसके बाद सेट वेदर बटन हो गया, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, ये हॉर्न हो गया, और उसके बाद आपका किल स्विच एंड इग्निशन दिया है। तो न्यूट्रल में करते हैं और एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। पर ये फ्रंट का हेडलैम्प वगैरह आपका, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है भाई। कंप्लीट सुपर बाइक टाइप का जो साउंड निकलता है रेव करने के बाद, वैसा ही साउंड आ रहा है। आप लोग अगर कुछ लगा देते हो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, तब तो और ख़तरनाक आवाज़ आएगा। चलो बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये था रिगार्डिंग द मीटर का साउंड एंड एग्जॉस्ट नोट और फ्रंट हेडलैम्प। टैंक आप लोग देखोगे, जो टैंक में बैजिंग वगैरह दिया हुआ है आपको RR310 का, काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रॉड टैंक दिखेगा जिसमें हॉर्स वगैरह का लोगो भी है, और 11 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है। और जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज अराउंड 30 का क्लेम करती है। उसके बाद सीट वगैरह अगर देखोगे तो कंप्लीट राइडिंग पॉस्चर इसका जो है कंप्लीट, आप स्पोर्ट्स दिया हुआ है, आपको कंप्लीट ट्रैक रिडन मिलेगा इस पर। ऐसा आपका, आपको पिलियन का है, मतलब पिलियन का तो इधर है एंड आपका राइडर का है, और पिलियन का जो सीट है उसमें आपको RR310 वगैरह का लोगो पीछे में एकदम शार्प कट दिया हुआ है। नीचे आते हैं तो आपको साइड स्टैंड, मोनोशॉक सस्पेंशन, और इधर अपाची का जो फेयरिंग है, मतलब साइड बॉडी है, वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिया हुआ है इस साइड पे। एंड इस साइड पे देखो, जो यहाँ पे TVS रेसिंग वगैरह का आपको इंजन में बैच मिल जाएगा, और एयर इनटेक वगैरह के लिए आपको जो पोर्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो डू नॉट ब्लॉक करके आपको एक साइन दिया हुआ है। RT स्लीपर क्लच इसमें ऑप्शन है, तो उसका भी टैग आपको नीचे में मिल रहा है। बाकी बात, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वॉल रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है इसका, और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो सिंगल सिलेंडर है और 300 cc पे है। बाकी बात, आपको पावर और टॉक तो मैंने बताई, एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों ने सुना, और जो टेल पोर्शन है जिसे आप लोग बोलो डुकाटी टेल कह सकते हो, तो डुकाटी जैसा टाइप की लगती है, कंप्लीट डुकाटी तो नहीं, क्योंकि डुकाटी का भी आप लोग देखोगे टेल इनबिल्ट इसी बॉडी में ही लगा रहता है, तो ये काफ़ी खूबसूरत टेल देता है पीछे से। उसके बाद आपको हगर वगैरह हो गया, और रेयर टायर की बात करें तो मिशलिन का भी रेयर टायर आपको रेयर में मिल रहा है, मिशलिन का टायर 150/60 का, और साथ साथ एलॉय की बात करें तो आपको 17 इंच का एलॉय मिल रहा है, और ये ब्रेक्स रेयर के जो डिस्क में है एंड आपको ABS रिम वगैरह, तो A to Z मैं बोलूँगा इसका कंप्लीट रिव्यू हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। एक बार इसमें बैठ के देखते कैसा लग रहा है। पूरा फ्रेंडली है इसका राइडिंग पोस्चर, तो कोई ऐसे दिक्कत होगा नहीं। और यहाँ से जो कॉकपिट का लुक है वो काफ़ी खूबसूरत आ रहा है, तो मैं बोलूँगा मेरे हाइट के हिसाब से 5'11" काफ़ी फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं होगा बैठने में, और कोई भी उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा हाथ वगैरह पे, पाम वगैरह पे, ना ही शोल्डर वगैरह पे। बाकी बात, पिलियन के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पिलियन का सीट उतना बड़ा नहीं है, और बाकी पकड़ने का ऑप्शन बस एक ही जगह है।
तो चलो अब इसका आप लोगों को प्राइस वगैरह बताते हैं जो आपको पड़ेगा बैद्यनाथ टीवीएस में, और बुकिंग वगैरह बताते हैं। तो ये बाइक आपको अवेलेबल है बैद्यनाथ टीवीएस गिरिडीह में, जो प्रेजेंट है अलकापुरी में। तो उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये वाली बाइक को आप लोग बुकिंग के मतलब बुकिंग करा भी सकते हो, और साथ साथ अगर कैश वगैरह पे करने आए हो तो आप लोग डायरेक्टली ले जा सकते हो। बाकी फाइनेंस स्कीम वगैरह के लिए आपको शोरूम कॉल करना होगा एक बार कॉल करके, या फिर विज़िट कर लेना। इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको यहाँ पे पड़ रहा है वो है 2,98,637 रुपीज़, और ये स्टार्टिंग वेरिएंट की सुपर बाइक है। अराउंड 312 cc का इंजन है इस पर, और पावर वगैरह भी अच्छा खासा है। टॉप स्पीड की बात करें तो 150+ ही टॉप स्पीड है इसका, 173-174, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो एनीवेज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को ये वाली बाइक कैसी लगी और हमारा रिव्यू कैसा लगा। चलो वीडियो हम लोग एंड करते हैं, होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।